ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज हमारे पास एक ऐसा ईयरबड्स है जो कि काफी कम प्राइस में आता है, बट ये 50 घंटे का बैकअप निकाल कर देता है। ऐसा मैं नहीं, ब्रांड कह रही है। तो बस क्या मंगा लिए हम, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं किस तरह का ये ईयरबड्स है, क्या चीजें आपको अच्छी मिलती है, क्या चीजें खराब मिलती है, और क्या ये 50 घंटे का बैकअप निकाल कर देता है, वो भी देखेंगे भाई। तो अब तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, वो भूल जाते हो आप। तो ये जो ईयरबड्स है अरोमा ब्रांड की तरफ से आता है, अरोमा NB140 गैलेक्सी। यहाँ पे कोई हीरोइन है भाई, पता नहीं कौन सी हीरोइन है, कमेंट करके बताना। चलो बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। ओके, तो यहाँ पे भाई आपको एक यूएसबी टाइप सी केबल मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ईयरबड्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके साथ आपको कोई भी भाई यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड नहीं मिलता है। अब हो सकता है बॉक्स में आता हो, लेकिन मैंने डिफरेंट साइट से मंगाया है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाया। ईयरबड्स का डिजाइन मेरे को काफी मस्त लग रहा है भाई, ये जो गोल्डन सा पट्टी दिया हुआ है ये दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। बिल्ड क्वालिटी ईयरबड्स की अच्छी है, हालांकि आपको पॉलीकार्बोनेट ही देखने को मिलता है, बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो बिल्ड दिया हुआ है ना, ये काफी अच्छा दिया हुआ। हिंज भी मेरे को अच्छा लग रहा है भाई, ओपन क्लोज करोगे ना तो मैग्नेट प्रॉपर काम करता है। फिर यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, ऊपर की साइड में आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है। इसकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी है दोस्तों, इसमें आपको प्री इंस्टॉल एयर टिप्स मिल जाता है। कानों में डालोगे ना, सेक करोगे, ये गिरेगा नहीं कानों से, काफी अच्छा कंफर्टेबल हो जाता है दोस्तों। बाकी ईयरबड्स जो है ये IPX4 की रेटिंग के साथ आता है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे से यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, स्मार्टफोन के साथ काफी अच्छे से पेयर हो जाता है, बट ब्लूटूथ 5.1 या फिर 2 होता ना तो ज्यादा बेहतर था। बाकी इसमें आपको सिंगल पेयरिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब आप चाहो तो एक फोन से एक को कनेक्ट कर सकते हो और दूसरे फोन से दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज मेरे को इसमें अच्छा लगा। एंड ईयरबड्स में आपको 10mm का ड्राइवर मिल जाता है। अभी मैंने इसकी साउंड चेक करी थी भाई, साउंड अच्छा है, म्यूजिक में क्लियरिटी वगैरह होती है, वोकल्स वगैरह अच्छे से समझ में आते हैं, हालांकि बेस थोड़े से कम है। जिस प्राइस पॉइंट में आता है ना, उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरे को इसका साउंड इंप्रेस कर रहा है। बाकी हाँ, इसमें आपको कोई भी नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता है। मैंने इसे कॉल लिया था भाई, सामने वाले को आवाज उतना अच्छा से नहीं जाता है, आवाज में डिस्टॉर्शन होता है। बाकी आपको टच सेंसर मिल जाएंगे, तो आप म्यूजिक पॉज कर सकते हो, अनपॉज कर सकते हो, नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो, वॉइस असिस्टेंट एक्टिव कर सकते हो। एंड इसमें कितने एमएस की लो लेटेंसी दी गई है इसके बारे में ब्रांड ने नहीं बताया। गेमिंग वगैरह के लिए ले रहे हो, मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि भाई गेमिंग करोगे ना तो आपको लेटेंसी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी इसकी। अभी यहां पे भाई ब्रांड ने बताया नहीं एग्जैक्ट कि इसमें कितने एमएच की बैटरी दी गई है, लेकिन भाई ब्रांड क्लेम करता है कि ये 50 घंटे तक चल सकता है। अब भाई जो केस है ये आपको 50 घंटे का बैकअप निकाल कर देगा, ईयरबड्स जो है ये आपको 8 घंटे का बैकअप निकाल कर देगा। एंड यहां पे मैंने इसको टेस्ट करा था भाई, ये एग्जैक्ट 50 घंटे तो नहीं चलता है, लेकिन 30 घंटे भाई इजीली चल जाता है, तो ये मेरे को सही लगा भाई। और इसका केस 0 to full charge 1.5 घंटे में हो जाता है, और ईयरबड्स 10 मिनट के चार्ज पे आपको 5 घंटे का बैकअप निकाल कर देगा। बाकी ओवरऑल ये ईयरबड्स जिस प्राइस पॉइंट का है ना, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को इसमें चीजें अच्छी लगी है भाई। एक तो ये कि बैकअप अच्छा निकाल कर देता है, डिजाइन भाई अच्छा है ईयरबड्स का, मेरे को साउंड वगैरह भी इसका अच्छा लगा है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी सॉलिड है। अब मैंने इसको मीशो से लिया था भाई 499 रुपए में, तो 500 रुपए के प्राइस पॉइंट में ये मेरे को मिला है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली भाई इस प्राइस पॉइंट में ये जो चीज है ना अच्छा है भाई, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये है कि ये लोग वारंटी नहीं दे रहे भाई। बॉक्स में मेरे को ईयरबड्स के अलावा और चार्जिंग केबल के अलावा और कुछ दिखा भी नहीं। मैंने मीशो पे से मंगाया है, अब मीशो पे बहुत झोल झाल होता है भाई। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये ईयरबड्स तो अच्छा है, लेकिन ये लोग वारंटी देते ना इसके साथ, तो भाई और भी अच्छा हो जाता है। खैर आप बताओ कमेंट करके कि आपको ये ईयरबड्स कैसा लगा, मेरे को जो अच्छा लगा जो खराब लगा मैंने आपको बता दिया। और एक चीज देख रहे हो, मैचिंग पहना हुआ हूं मैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।